वाम बाहु क्रोत वाम कपोलो वाम बाहु क्रोत वाम कपोलो वल्गीत ब्रू रध रार प्रीत वल्गीत ब्रू अध रार प्रीत कोमलांगुली भी आशीत मार्गम कोमलांगुली भी आशीत वल्गीत ब्रू रध रार प्रीत वल्गीत ब्रू रध रार प्रीत अध रार प्रीत कहने लगी कि अरे सखी मुझे तो इस वेणु की ईर्ष्या आ रही है क्योंकि हमारे भाग्य की अदरामृत ये वेणु को प्रभु दे रहे हैं, ऐसा तो इस वेणु ने क्या किया है। तब दूसरी गोपी कहने लगी अरे सखी वेणु को फरियाद मत कर, ये वेणु तो अपनी गुरु है। बोले क्या बात कर रहे है? बोले जो लक्षण गुरु के अंदर होने चाहिए वही लक्षण इस वेणु के अंदर है। बोले क्या? बोले स्वर तो खुद के निकलते हैं पर प्रीति प्रभु में कराती है। शब्द निकलेंगे वेणु के अपने पर वेणु को सुनने के बाद कोई वेणु को याद नहीं करेगा, प्रभु को याद करेगा। और जो अपने शब्दों के माध्यम से अपने वचनों के माध्यम से अपने में प्रीति न करा के प्रभु की शुद्धि करावे वही तो गुरु है और वही काम वेणु करती है। देखो तो सही, जब वेणु को अपने अधराप पे अधरापित करते हैं और जब वेणु के स्वर निकलते हैं, और ईश्वर क्या है? ईश्वर कुछ नहीं है, जैसे गुरु प्रभु के सन्मुख करने के लिए पहले मंत्र देता है और जब मंत्र से दक्षिणीक्षित हो जावे तभी उसको प्रभु मिलते हैं। और वैसे ही जब वेणु के स्वर जावे और वेणु के स्वर जब गोपियों के कान में पड़े तो मानो वेणु रूपी गुरु ने आज गोपियों को दीक्षित किया और जब दीक्षित हुई तब जाके प्रभु तक पहुंच पाई, प्रभु के दर्शन हुए। और इसलिए तो कहा कि ये वेणु वो है कि जो गुरु की तरह है और जो अपने मंत्र देके गुरु में प्रीति करावे, प्रभु में प्रीति करावे। और वास्तव में गुरु का कार्य भी तो यही है, गुरु का कार्य भी यह है कि अपने शब्दों के माध्यम से वो अपने शिष्य को अपने तक रोक के ना रखे, प्रभु के संग जोड़ दे, वही गुरु। श्री महाप्रभु जी, हरिराय महाप्रभु जी भी कहते हैं कि गुरु वही है कि जो भक्त और भगवान के बीच का द्वार बने, दीवार न बने। और जहां दीवार ता दिखे समझ लो वहां कोई गड़बड़ है। और द्वार वो है जो प्रवेश दे देवे, कह दे मुझे नहीं इनको पकड़ो, वो गुरु। और जो अपने पास रोक के रखे, खुद ही भगवान बन के बैठ जाए समझ लो वहां कुछ गड़बड़ है। मैंने कहीं सुना था कि एक भक्त को ही स्वर्ग में गए, मन में बड़ी इच्छा थी कि प्रभु के दर्शन करूं, प्रभु के दर्शन करूं, और क्या देखा, थोड़ी देर हुई और विशाल शोभा यात्रा निकली, हजारों लोग आगे हजारों लोग पीछे, रथ के ऊपर कोई सुसज्ज व्यक्ति बैठे हुए हैं सज धज के। उसने पूछा क्या ये भगवान है? नहीं, ये तो फलाने संत हैं। उनकी शोभा यात्रा निकली,
दूसरी शोभा यात्रा, आगे हजारों आदमी, पीछे हजारों आदमी, जय हो रहा है। दूसरी शोभा यात्रा निकली, बोले ये भगवान है, बोले नहीं तो फलाने महापुरुष हैं। तीसरी शोभा यात्रा निकली, ऐसे ही जरिए के वस्त्र, ऐसे जामे, और ऐसे हजारों लोग आगे, हजारों लोग पीछे, जय हो रहा था, बोले ये भगवान होंगे, बोले ये तो फलाने संत हैं। करते करते सबसे आखिरी में एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ अकेला अटूला इंसान, न कोई आगे है न कोई पीछे है, अकेला अकेला जा रहा था। उसने पूछा ये कौन से संत हैं, बोले संत नहीं ये भगवान है। बोले ना कोई आगे है ना कोई पीछे, तकलीफ क्या है? भगवान से जाके पूछा, प्रभु इससे पहले इतनी इतनी शोभा यात्रा निकली, हजारों आगे थे हजारों पीछे थे, जय हो रहा था, लेकिन आप निकले तो न कोई आगे न कोई पीछे, बिल्कुल अकेले। भगवान के कहूं क्या, इस कलिकाल में मेरे से अकेला और कोई है ही नहीं। जो महापुरुष जिनको मैंने अपने पास लोगों को लाने के लिए भेजा था, वो स्वयं भगवान बन के बैठ गए हैं। और जब वही भगवान बन के बैठ गए हैं और सारे जीवों को अपने पास ही रोक रखा है, मेरे तक कोई आने ही नहीं देता, और मेरे तक कोई आने नहीं देता, इसलिए कलिकाल में मुझसे अकेला और कोई है ही नहीं। और इसलिए तो यहां कहा कि वेणु वही है, वही कार्य करे कि जो कार्य गुरु को करना चाहिए, शब्द उसके निकले। पर शब्द सुन के वेणु में किसी को प्रीति नहीं हुई। किसी को भी प्रीति हुई तो किसमें हुई? श्याम सुंदर में हुई। वेणु के जैसे ही शब्द पड़े, ये ना सोचा कौन बजा रहा होगा, यही सोचा मेरे प्रभु बुला रहे हैं। और यही लक्षण जिसके अंदर आ जाए वही गुरु है। इसलिए तो यहां गोपियों ने कहा, ये वेणु को फरियाद न दो, ये वेणु तो वो गुरु है कि जो मंत्र का दान देके हमें प्रभु के सन्मुख ले आवे। और गुरु जब मंत्र का दान दे तभी तो प्रभु के सन्मुख अपनावे। और कई बार होता क्या है, जब गुरु के पास भी जावे और गुरु कान में तीन बार अष्टाक्षर मंत्र बोले, और कईयों को लगता है ये मंत्र तो मुझे भी आता है, तो फिर गुरु के मुख से सुनने का मतलब क्या? कईयों को लगे अष्टाक्षर का दान जब ले, में कईयों को लगे ये मंत्र तो हमको भी आता है, तो फिर गुरु के मुख से लेने का मतलब क्या? मैं कई बार कहता हूं एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री के अंदर एक मशीन बिगड़ गया, और ऐसा मशीन एक दिन भी बंद रहे तो लाखों का नुकसान हो, और वो ठीक करने के लिए विदेश से कोई इंजीनियर को बुलाए हजारों लाखों के टिकट खर्च के, और वो इंजीनियर जब आया मशीन ठीक करने के लिए, एक हाथ में हथौड़ी ली और जहां मशीन पे हथौड़ी मारी, मशीन चालू हो गया। पूछा कितना हुआ इसका चार्ज? बोले 1,00,000 रुपया। बोले आपने कुछ किया तो है नहीं, कोई मेहनत नहीं करी, एक तो लाखों की टिकट आपको भेजी, आप आए और कोई मेहनत तो करी नहीं, सिर्फ हथौड़ी मारी है और मशीन चालू हो गया, और उसके 1,00,000 रुपए। बोले हथौड़ी मारी उसके तो 1,000 रुपए, लेकिन हथौड़ी कहां मारनी उसके 99,000 रुपए। बोले हथौड़ी मारना तो हर कोई जानता है, लेकिन कहां इसकी असर करानी ये तो वही जानता है कि जिसको उसका ज्ञान हो। पत्थर तोड़ने वाला भी हथौड़ी मारता है, और एक शिल्पकार भी हथौड़ी मारता है, एक दो टुकड़े करता है और एक उसमें से आकार देता है। तो वैसे ही गुरु वो है कि जो मंत्र के द्वारा जीव को खींच के अपने पास लावे, और वही कार्य ये वेणु कर रही है। इसलिए तो कह दिया कि देखो तो सही, जब प्रभु वेणु बजा रहे हैं और वेणु बजाते बजाते प्रभु स्थिर न रहे, प्रभु ने दृष्टि ऊंची करी। कैसे? वलगित ब्रहु अधरार पित वेणु, क्योंकि प्रभु टेढ़े खड़े हैं, प्रभु कभी सीधे खड़े नहीं होते, जहां भी चित्र देखो प्रभु टेढ़े होंगे। ललित त्रिभंगी, बोले क्यों? क्योंकि वैराग्य हमेशा सीधा रहता है, ज्ञान सीधा रहता है, कर्म सीधा रहता है, लेकिन प्रेम हमेशा टेढ़ा होता है। और प्रभु कौन है? परम प्रेम के स्वरूप है, और परम प्रेम के स्वरूप होने के कारण जहां भी देखोगे हमारे प्रभु टेढ़े ही होंगे। सीधे खड़े हुए बहुत कम दिखते हैं। बोले क्यों? प्रभु भी कहते हैं यदि दीवाल के अंदर कोई कील सीधी हो तो तुरंत खींच के निकल जावे, लेकिन दीवाल के अंदर कील निकाल रहे हो लेकिन अंदर से टेढ़ी हो गई हो तो फिर निकलेगी? तो प्रभु कहें कि पहले तो मैं सीधा बन के मिलता हूं, और जैसे ही हृदय में पधरावे ऐसा टेढ़ा हो जाता हूं कि लाख निकालने का प्रयत्न करे मैं उसके हृदय में से निकलता। इसलिए तो प्रभु टेढ़े हैं, क्योंकि प्रेम हमेशा टेढ़ा होता है। और देखो तो इसलिए प्रभु के बाल भी टेढ़े, भरवर भी टेढ़ी, बोली भी टेढ़ी, चलने की अदा भी टेढ़ी। और इसलिए तो जब भगवान भी गोपियों को कहते हैं, अरे गोपियों तुम बड़ी टेढ़ी हो गई हो, मेरे से टेढ़ी टेढ़ी बातें करती हो, तब गोपियां भी कहती है ना कि देखो प्रभु आप तो हमारे हृदय में विराजते हो, और मुझे बताओ यदि टेढ़ी तलवार हो तो उसको रखने के लिए म्यान कैसी चाहिएगी? हाँ,
कैसी चाहिएगी? हाँ, यदि टेढ़ी तलवार होगी तो उसको रखने के लिए म्यान भी टेढ़ी चाहिए, तो प्रभु आप भी टेढ़े, तो आपको हृदय में पधराने के लिए ही हमको अपना हृदय टेढ़ा करना पड़ा है। और इसलिए तो जब प्रभु वेणु बजा रहे हैं और वेणु बजाते बजाते प्रभु ने क्या देखा कि आकाश में से विमानों में बैठ बैठ के देवताएं अपनी स्त्रियों के संग पसार हो रहे हैं। और जैसे ही आकाश में प्रभु ने दृष्टि करी, क्या देखा कि बहुत सारे देवताएं अपनी पत्नियों के संग विमान में बैठ बैठ के पसार हो रहे हैं, एक क्षण के लिए रुके प्रभु के दर्शन कर ले हैं। और क्या असर उनके ऊपर हुई, ये युग्म के ही दूसरे पंक्ति के अंदर कहा, दूसरे श्लोक में, व्योमयान बनी तासहसी बताऊं सखी, जब प्रभु खड़े खड़े वेणु बजा रहे थे, वाम कपोल को वाम कंधे पे झुकाया हुआ था, और उसी समय आकाश में से देवताएं अपनी पत्नियों को ले लेके विमानों में बैठ के और विचरण करने के लिए निकले थे। और जैसे ही देव पत्नियां और वो देवताएं विमान में बैठे बैठे प्रभु के ऊपर आए, और प्रभु ने वेणु बजाते बजाते जैसे ही अपनी ब्रवरें ऊंचे करी और जहां देव स्त्रियों के ऊपर दृष्टि करके वेणु बजाने लगे, उस वेणुनाद को सुनके देव स्त्रियों की ऐसी दशा हुई, श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि देव स्त्रियां तो ये समझ ही नहीं पाई कि भगवान क्या बजा रहे हैं। विचित्र अनुभव उनको होने लगा, क्योंकि देखो तो सही, देव स्त्रियां हैं, प्रभु के दर्शन करने आवे तो दर्शन करने अपन नीचे बैठ के करते हैं कि ऊपर आके, हाँ बताओ तो सही, हाँ नीचे रह के दर्शन करते हैं, लेकिन भगवान नीचे हैं और वो आई विमानों में, प्रभु के दर्शन करने के लिए आई, विमान में बैठ बैठ के आई। अब देखो, दर्शन करने आई थी, पर सिर्फ दर्शन करना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था, घूमने के लिए निकली थी, बीच में प्रभु मिल गए तो उनके दर्शन भी कर ले। कई लोग जाते हैं ना, सब्जी भी लेते आएंगे और दर्शन भी करते आएंगे, हा? दर्शन करना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था, घूमने के लिए निकली थी, रास्ते में प्रभु मिले तो कि प्रभु के दर्शन भी कर ले मैं। लेकिन जहां प्रभु ने देखा कि दर्शन करने आई है पर सामने आना चाहिए, सामने रहना चाहिए, लेकिन दर्शन करने के लिए ऊपर आई है, और ऊपर से दर्शन कैसे हुए? और जहां देव स्त्रियां विमानों में बैठ बैठ के दर्शन करने आई, और जैसे ही विमान रुका, कहते हैं प्रभु ने ऐसा विचित्र नाद बजाया, ऐसा विचित्र वेणुनाद किया कि वो सुन के देवताओं की स्त्रियों की ऐसी दशा हो गई, न तो वस्त्र का भान रहा, न तो देह का भान रहा। और वहां देवताओं ने देखा प्रभु की ओर, देव स्त्रियों ने देखा प्रभु की ओर, ये नाद कहां से आ रहा है? सबसे पहले कान खींचे,
देखा कौन है, फिर नेत्र गए। देखो प्रभु के वेणुनाद को सुन के देवताएं और देव स्त्रियां मोहित हुई। उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या? ये देव स्त्रियां चाहे अप्सराएं होंगी, अप्सरा किसको बोलते हैं? अप यानी जल, और जो सदा भीगी रहे, सदा गीला रहे, वो अप्सरा। और ऐसा देह में कितना है? ये जीवा, ये भी अप्सरा है। ये नेत्र जिसमें जल आता है, वो भी अप्सरा। ये नासिका, ये कर्ण, ये चमड़ी, पसीना आता है, गीला रहता है, और जो गीला रहे वो अप्सरा। और कहते हैं ये देव स्त्रियां और उनके देवता कौन? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और जब प्रभु ने हृदय के अंदर वेणुनाद किया और ये देव स्त्रियां और देवताएं प्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल हो गए, इसलिए सबसे पहले तो कर्ण यानी उन्होंने वेणुनाद को सुना, और कर्णेन्द्रिय वेणुनाद को सुना, उनके देवता कौन? शब्द, और शब्द से परिचय हुआ और खिंची आंख कि जो सुंदर वेणु बजा रहा है कौन बजा रहा है, और सबसे पहले फिर गई दृष्टि, और जहां प्रभु के दर्शन करे, और ये कोटि कोटि कंदर्प लावण्य ने स्वरूप धारण करके प्रभु विराज रहे हैं। और जैसे ही प्रभु के दर्शन हुए, क्या अनुभव हुआ? प्रभु के कैसे दर्शन करे? भक्तों ने गाया है ना, प्रभु कैसे लग रहे हैं? प्रभु के दर्शन कर रहे हैं देवता देव स्त्रिया, क्या देखा उन्होंने कि प्रभु आज कैसे लग रहे हैं? वेणु तो बजा रहे हैं पर झरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। झरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। झरी की पगड़ी बांधे हो कान में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट बिराजे, कान में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट बिराजे। सखिया पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे, ये है चंदा सांवरा, ये है चंदा सांवरा, तारे हैं ग्वाल बाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। छरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। छरी की पगड़ी बांधे लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल, लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, हवा में सर सर उड़ता तेरा पीतांबर मत वाला, हवा में सर सर उड़ता तेरा पीतांबर मत वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। छरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। छरी की पगड़ी बांधे हो
मुख में माखन मलता तू बल घुटनों के चलता, मुख पे माखन मलता तू बल घुटनों पे चलता। देख यशोदा भाग को देवों का मन भी जलता, माथे पे तिलक है सोहे, माथे पे तिलक है सोहे, आँखों का काजल काला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, चली की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, चली की पगड़ी बांधे हो, हो, हो। जब बंसी बजाए तो मोर भी नाच दिखाए, तू जब बंसी बजाए तो मोर भी नाच दिखाए। यमुना में लहरे उठती और कोयल कुकू गाए, हाथ में कंगन सोहे, कंगन सोहे और गले में जंती माला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, छड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, छड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जहाँ आकाश में देवताएं अपनी पत्नियों को ले लेके जैसे ही विमान में बैठ के ऊपर से जा रहे थे, लगा ढूंढने तो जा रहे थे, लगा यात्रा में तो जा रहे थे, पर यात्रा का फल तो नीचे ही खड़ा है। और जैसे ही विमान को रोक के दृष्टि नीचे करी और प्रभु ने भी देखा कि आकाश में देवताएं आए हैं, पर मुख्य भाव उनका मेरे दर्शन का नहीं है। और जहां वेणु बजाते बजाते प्रभु ने अपनी ब्रवरों को नचाना प्रारंभ किया, और ऐसा विचित्र वेणुनाद आपने किया कि वो सुन के देवताओं की स्त्रियां विचलित हो गई, केश के पास छूट गए, वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए, न तो अपने देह का भान रहा, न अपने केश का भान रहा, न अपने वस्त्रों का भान रहा। संग में खड़े थे देवता, उनके लिए शब्द है सिद्धई। और देखो ये जो देवताओं की पत्नियां भी हैं उनके लिए शब्द है वनिता, वनिता सह सिद्धई। वनिता कौन? वनिता शब्द का उपयोग करके यहां कहना चाहते हैं कि वनिता उसको कहते हैं कि जिसका हृदय प्रेम से छलो छल भरा हुआ। अब देखो वो अपने पति के संग विमान में बैठ के जा तो रही है,